नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे एक बार जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पे काफी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग पोस्ट मैं शेयर करता हूँ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, जो आपको काफी पसंद आएगा मैं आशा करता हूँ। तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आज हम बात करेंगे दोस्तों मैरिड लाइफ, यानी कि जो सेवंथ हाउस होता है आपके कुंडली का, वो बेसिकली मैरिड लाइफ और बिजनेस पार्टनरशिप को दर्शाता है। उसके बारे में मैं बात करूंगा। ऑलरेडी इस पे मैंने डिटेल्ड दो वीडियो बना रखे हैं, पार्ट वन पार्ट टू। मैंने आई नोटिफिकेशन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में मैंने इस पर्टिकुलर जो मैरिड लाइफ को कैसे देखना चाहिए, हर एक चीज़ को मैंने डिटेल में जितना भी हो सकता है मैंने उसको रखा है दोनों वीडियो में, सब जरूर देखिएगा। आज इस टॉपिक को एकदम शॉर्ट में मैं कर रहा हूँ ताकि सभी लोग, जैसे बिकॉज वीडियो बना बड़ा होने के कारण लोग देख नहीं पाते हैं, तो आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, अगर आप मैरिड लाइफ के बारे में देख रहे हैं तो सेवन्थ हाउस, सबको पता है कि सेवन्थ हाउस मैरिड लाइफ के लिए देखा जाता है। तो वहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है आपको, चार्ट आप कोई भी हाथ में लेते हो, सबसे पहले आपको देखना है बृहस्पति देवता को। बृहस्पति देवता की स्थिति कैसी होनी चाहिए, वो 6-8-12 में विथ मैलिफिक नहीं होने चाहिए। 6-8-12 में है और विथ मैलिफिक है तो रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। और मान लीजिए अगर आपके सेवन्थ हाउस के लॉर्ड बृहस्पति ही हुए और इस ऐसे कंडीशन में 6-8-12 पे, तो ये ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। अब बात करते हैं सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड है आपका, सेवन्थ हाउस का जो लॉर्ड है यानी कि सप्तमेश जो है आपका, उसको अगर एक से ज्यादा मैल्फिक, एक से ज्यादा मैल्फिक यानी कि मैल्फिक कौन कौन है, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, ये सब मैल्फिक प्लैनेट है, नेचुरल मैल्फिक जिसे हम कहते हैं, अगर इनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव के स्वामी पे है या सप्तम भाव पे है, ध्यान से सुनिएगा, या सप्तम भाव के स्वामी पे या सप्तम भाव पर है, एक से ज्यादा की याद रखना, एक की हो सकती, दो की हो सकती या तीन की हो सकती है, अगर इनकी दृष्टियां सप्तमेश पे या सप्तम भाव पे है तो ये बहुत ज्यादा हद तक ये शादियों को खराब करता है। मैंने कई बार इसे इसको टेस्ट किया है और बहुत ज्यादा ये काम करता है, आप इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद सप्तम भाव का स्वामी अगर मैलिफिक के साथ त्रिक भाव में बैठा, यानी कि सैटर्न, मार्स, सन, राहु, जैसे मैंने बताया, इनके साथ अगर वो 6-8-12 में बैठा, ये भी काफी अशुभ स्थिति को दर्शाता है, मैरिड लाइफ को काफी खराब करता है। इन शॉर्ट सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर फंक्शनल मैलिफिक के नक्षत्र में, फंक्शनल मैलिफिक होना होता कौन है, 6-8-12 के स्वामी, अगर आपका जो सप्तमेश है वो 6-8-12 के जो लॉर्ड है उसके नक्षत्र में भी बैठता है, ये काफी हद तक ये नेगेटिव हो जाता है। ये सारी चीजें देख लिया आपने, अब आपको देखना है पंचम और नवम को देखना है, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस, यानी कि लक्ष्मी स्थान जो हमारे कुंडली के होते हैं, काफी शुभ स्थान माने जाते हैं, इसको देखना है। इन दोनों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज शादी तो करोगे आप लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे उससे, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल आपकी शादी से नहीं पूरा होगा अगर आपका फिफ्थ और नाइन्थ हाउस जो है वो फिफ्थ और नाइन्थ हाउस के जो लॉर्ड अच्छे हैं, तो आपको अपने मैरिड से, अपने लाइफ पार्टनर से हमेशा कंप्लेन रहेगी। उसके बाद काल पुरुष कुंडली में शुक्र देवता सप्तम भाव के स्वामी, इसलिए शुक्र को जरूर देखना है। शुक्र अगर अच्छे हैं आपके कुंडली में तो मैं कहूंगा कि हैप्पी मैरिड लाइफ, आपने सुना होगा, तो हैप्पी मैरिड लाइफ तभी हो सकती है जब शुक्र देवता आपके चार्ट में अच्छे हों, 6-8-12 में ना हो, कम्बस्ट ना हो, इन सब चीजों का ध्यान रखिए। और उसके बाद चंद्रमा देख लीजिएगा, लग्नेश, चंद्रमा और लग्नेश कुंडली की जान होते हैं। जैसे मैंने बहुत बार बताया है कि गाड़ी की इंजन में ही ताकत नहीं है, तो कितने भी अच्छे एक्सपर्ट को आप बैठा दोगे वो उतना, कितना भी तेज भागेगा उसकी अगर इंजन की औकात 70-80 की है तो उसके आगे वो नहीं जाएगी। तो वही चीज होती है अगर लग्नेश कम्बस्ट है या लग्नेश 6-8-12 में है और चंद्रमा बहुत खराब है, तो आदमी बोलते हैं ना कि वो गाड़ी की वही बात हो गई, आपका जो लग्नेश है वो अच्छे योग आपकी कुंडली में है लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने की ताकत ही नहीं है, तो उसके रिजल्ट्स नहीं मिल पाते आपके जीवन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब होने के बाद आपको नवमांश में जाना है, सप्तम भाव को देखना है और गुरु को देखना है नवमांश में। गुरु सप्तम भाव में, सॉरी, गुरु जो है नवमांश कुंडली में, उनकी क्या स्टेटस है, लाइक वो मैल्फिक के साथ तो नहीं है, त्रिक भाव में नहीं है, ये सारी चीजें आपको गुरु के रिलेटेड, या कंबस तो नहीं है, ये सारी चीजें आपको नवमांश में देखनी है। उसके बाद ये सारी चीज होने के बाद आपको क्या देखना है, नवमांश कुंडली में जो सप्तम भाव है उसका जो स्वामी, उसकी क्या स्थिति है, वो मैल्फिक के साथ तो नहीं है, कंबस नहीं है, 6-8-12 में नहीं है, ये सारी चीजें आपको देखकर, ऐसा है तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है।
अदरवाइज ऐसा नहीं है तो आपके लिए वो काफी पॉजिटिव है, काफी बेहतरीन है आपकी मैरिड लाइफ, आपको मैं बता दूं। ये सारी चीजें होने के बाद एक फाइनल चीज आपको देखनी होती है, आपकी दशा। दशा अगर फंक्शनल मैलेफिक की चल रही है, स्पेशली अगर 6, 8, 12, स्पेशली 8वें और 12वें की अगर चल रही है, 6, 8, 12 में से 6 और 8, 12 तीनों खराब है, लेकिन 8वें और 12वें की ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, अगर उनकी दशाएं चल रही तो आपके मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कतें, परेशानियां, रुकना, लेट लतीफ होना, या फिर सही समय पे ना होना, सही पार्टनर ना मिलना, वो सारी चीजें, आपका फाइनलाइजेशन नहीं होना, ये सारी चीजें आते हैं। सेम चीज जब गुरु आपका आपके चार्ट में खराब होता है, आपके लग्न कुंडली में, तो भी ये दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब पे। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।